नमस्कार दोस्तों, मैं योग पटेल एक बार फिर से आपका योग्स इजी गार्डनिंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि ऐसा क्या करें और ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र इस एडिनियम प्लांट में डालें जिससे कि एडिनियम प्लांट में इस फ्लावरिंग सीजन में फुल फ्लावरिंग आए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाऊँगा कि कैसे आप फ्लावरिंग सीजन में एडिनियम प्लांट पर ऐसे फुल फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मेरा गार्डनिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई फर्टिलाइज़र चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक नहीं बना कि जिससे डालते ही एडिनियम या फिर कोई भी गार्डनिंग प्लांट में कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग आ जाए। तो फिर फ्लावरिंग कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, एडिनियम प्लांट पर हर साल स्प्रिंग और समर की सीजन में फ्लावर्स तो आते ही है, लेकिन हमारी कुछ गलतियाँ या फिर कहिए केयरलेस की वजह से ये फ्लावर्स कम आते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आते। और हम क्या करते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र मिला, किसी ने कहा कि ये फर्टिलाइज़र डालो तो फुल फ्लावरिंग आ जाएगा, तो हम वो डाल देते हैं। उससे क्या होगा, फ्लावरिंग तो आएगा लेकिन आपका प्लांट वीक हो जाएगा और शायद मर भी सकता है। दोस्तों, ऐसा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स दिखाई हैं। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके एडिनियम प्लांट पर हर साल ऐसे ही फ्लावरिंग आएंगे और आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। तो दोस्तों, देखे रहिए मेरा ये वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स दोस्तों। टिप नंबर 1, फुल सनलाइट। आप अपने एडिनियम प्लांट को 6 से 8 घंटे तक फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि बेसिकली एडिनियम डिजर्ट का प्लांट है तो उसे सनलाइट ज़्यादा पसंद है। आप अपने एडिनियम प्लांट को जितनी देर तक धूप में रखेंगे फ्लावर्स उतने ही बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों कभी कभी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है, तो आप उस टाइम एडिनियम प्लांट को शेड में रखना ना भूलें। और एक टिप्स, आप अपने एडिनियम प्लांट को हर 3 से 4 दिन में इस तरह से पोजिशन बदले ताकि एडिनियम प्लांट के हर एक कॉर्नर में सनलाइट मिले और फ्लावरिंग हर दिशा में हो। तो दोस्तों, एडिनियम प्लांट के लिए फुल सनलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने एडिनियम प्लांट को मिनिमम 6 आवर्स तक फुल सनलाइट में रखें ताकि प्लांट की ग्रोथ बढ़े और प्लांट पर फ्लावरिंग भी बढ़े और उस प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहे। टिप नंबर 2, प्रूनिंग। दोस्तों, एडिनियम में प्रूनिंग फ्लावरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेरा यह सिंगल स्टेम प्लांट, इस एडिनियम प्लांट पर मैंने कभी भी प्रूनिंग नहीं किया, कटिंग नहीं किया, इसी वजह से उसकी कोई अदर ब्रांचेस नहीं है। और देखिए, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच पहले फ्लावर्स आए हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ऐसा ही दूसरा प्लांट है जो कि ग्राफ्टेड प्लांट है। मैंने 3 महीने पहले इस ग्राफ्टेड प्लांट पर इस जगह पर प्रून किया था, तो आप देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद उसकी 3 से 4 नई ब्रांचेस निकल आई है और हर एक ब्रांच पर ये ऐसे फ्लावर्स आए हैं। तो दोस्तों, प्रूनिंग का यही बेनिफिट है, आप एडिनियम प्लांट को जितना प्रून करेंगे उतने ही उसकी नई ब्रांचेस निकलेगी और जितनी नई ब्रांचेस निकलेगी उस हर एक ब्रांच पर फ्लावर्स आएंगे, तो उससे फ्लावर्स की संख्या भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये एक और मेरा एडिनियम का प्लांट है जिसको कि मैं हर साल विंटर के बाद प्रून करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रूनिंग के बाद उस पर लीव्स से ज़्यादा तो उसके फ्लावर्स की संख्या है। और एक एग्जांपल और देता हूँ, ये देखिए, जब मैंने ये प्रून किया था तो ब्रांचेस निकलने से पहले इस जगह पर सीधा फ्लावर्स ही निकल आया है, देखिए ये। तो दोस्तों, ये प्रूनिंग का यही बेनिफिट है, आप एडिनियम में हर साल विंटर के बाद प्रून कीजिए और प्रूनिंग करने के बाद उसको फुल सनलाइट में रखिए ताकि ये पूरे समर में फ्लावरिंग देता रहे। टिप नंबर 3, पॉटिंग मीडिया। आप एडिनियम को रिपोर्ट करने के लिए ऐसी कोर्स रिवर सैंड लीजिए जिससे कि पानी प्रॉपरली ड्रेन भी होगा और उसमें एयर सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, जिससे कि रूट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके बाद आप ये कोकोपीट लीजिए। कोकोपीट मॉइस्चर को अच्छी तरह से रिटेन करता है जिससे कि आपका पॉटिंग मीडिया जल्दी ड्राई नहीं होगा। दोस्तों, पॉटिंग मीडिया में आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलाइए, ये काउ डंग या गोबर का खाद या फिर कंपोस्ट, ये आप पॉटिंग मीडिया में मिला दीजिए ताकि आपको 3 से 4 महीने तक समर सीजन में और कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही ना रहे।
और दोस्तों आप जब भी रिपोर्ट करें इस ब्रिक के पीसेस को पॉट के बॉटम में 2 से 3 इंच के लेयर तक रख दीजिए ताकि उस वाटर का प्रॉपरली ड्रेन हो। और आप जो भी पॉट पसंद करें उसमें इस तरह से 2 से ज़्यादा होल होने चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन अच्छी तरह से रहे और रूट्स की हेल्थ भी अच्छी रहे, और रूट्स की हेल्थ अच्छी रहने से फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएंगे। टिप नंबर 4, वाटरिंग। दोस्तों आपके एडिनियम प्लांट को पानी की ज़रूरत है या नहीं ये आप पॉट में उंगली डालकर चेक कर लीजिए। अगर आपकी उंगली मॉइस्चर फील नहीं कर रही तो आपके एडिनियम प्लांट को पानी चाहिए। और दोस्तों जो मैंने अगली स्लाइड्स में जो पॉटिंग मीडिया दिखाया था, अगर आपने वो पॉटिंग मीडिया यूज़ किया होगा तो पानी विद इन 10 to 20 सेकंड में उसके पॉट के बॉटम में से कुछ इस तरह से निकल आएगा। तो दोस्तों पानी का निकलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पानी थोड़ा भी जो अगर स्टोर हो गया तो एडिनियम के रूट को रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है, और रूट रॉट के प्रॉब्लम की वजह से उसके फ्लावरिंग कम आएंगे और प्लांट भी मर सकता है। तो दोस्तों आप पानी को मैनेज कीजिए और एडिनियम को हेल्दी रखिए। टिप नंबर 5, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। दोस्तों आप नीम ऑयल और जो लिक्विड सॉप आता है उसके 2-3 ड्रॉप्स मिलाकर 5 ml जितना लीजिए 1 लीटर पानी में, और आपके एडिनियम के हर एक प्लांट पर उसको सुबह में स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों डिजीज़ हो ना हो आप ये रेगुलरली करते रहिए हफ्ते में 2 बार ताकि आपके एडिनियम प्लांट पूरे साल हेल्दी रहे। और दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लास्ट टिप, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। दोस्तों एडिनियम को जब भी आप रिपोर्ट करें तब आप उसमें काउ डग यानी कि गोबर का खाद या कंपोस्ट मिलाइए, फिर हर महीने आप उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहें। अगर ये ना हो तभी आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें। थैंक्स।